हेलो जी, राम राम जी। आप सब किसे हो? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बस बढ़िया रही हो। और मैंने आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। सुबह है 11, तो कई सारे काम थे वो निपटा लिए हैं। और आज हो रहा है बारिश का मौसम, तो समझ में नहीं आ रहा बारिश आओगी या नहीं आओगी। कभी थोड़ी सी हल्की सी धूप हो जाए या कभी फिर हो जाए छाव। और रात ने हुई थी बारिश, जो कि आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देख लियो। मैंने बताया है कि सुबह का जो टाइम था तो मैंने सुबह सुबह करा था और ब्लॉग बनाया था। और अभी है दोपहर के 11, 11:30 का टाइम हो रहा है। तो आज बस नहा धोली हूँ, मैंने सोची चलो ये अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर दी हूँ। और अपने खाना खुना सारी चीज़ आज मैंने खा पी ली है, बस फ्री हो ली हूँ। तो अभी थोड़ी सी ठंड लग रही थी, मैंने सोचा चलो कोई बात है ना, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँगी और जो एक आधे एक्स्ट्रा काम है वो भी कर लूँगी। आज मौसम ऐसा बन नहीं रहा है कि हम ज़्यादा कहीं बाहर जा जू पाऊँ, क्योंकि स्कूटी पर ये पता नहीं कि बारिश बारिश आ जाओ या और है। तो बच्चा की भी आज देखूँगी, टाइम के हिसाब से है सारी चीज़। तो बारिश आ गई तो गाड़ी मैं देखूंगी, और नहीं तो जाऊंगी स्कूटी में, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी ठंड हो है ना। तो सुबह के टाइम पे तो उन गाड़ी में छोड़ कर आया कर रहे हैं, इनके ताऊ जी अभी आ रहे हैं। तो और शाम के टाइम में मैं स्कूटी पे ले आया करूँ, मैं क्यों परेशान करें, क्योंकि पहले भी तो हम स्कूटी पे ले आया करते ले जाया करते। तो बड़काते सारी त्रिया की आदत होनी चाहिए, ये नहीं है कि गाड़ी आएगी तो बस मतलब वो स्कूटी बाइक छोटा दे, मैं फिर उनकी आदत भी नहीं रहेगी बैठने में, क्योंकि चाहे कोई भी किसी ने बढ़िया ना लागता, अब ठंड में हवा खाता जा और वो हुआ तो उस तरह आदत हमारी भी थोड़ी सी खराब हुआ है। जितनी हमने सुविधा मिलेंगी उतना है, मतलब हम उस चीज़ के आदि होते चले जाएंगे और पीछे वाली चीज़ भूलते चले जाएंगे कि हम उस चीज़ में बैठा करते, मतलब वो कराया करते हैं। तो उस चीज़ की आदत ना रहे, जितनी सुविधा मिलेंगी उतनी सुविधा की आदत हो जाएगी। तो मेरा मानना तो ये है कि टाइम के हिसाब से हमने चेंज होना चाहिए और जैसा टाइम है उस हिसाब से हमने रह लेना चाहिए। तो बस ये है कि कई बारी मतलब कि यूँ हो जाए कि हाँ मान लो गाड़ी कहीं जा रही है, खराब हो रही है, कुछ और बात हो जावे, तो फिर बालक भी जाती है नौकरी ना, मम्मी ठंड लग है नू लग है, मैं तो के कहकर स्कूटी पर बाइक पर ना जाऊँ नू है। तो फिर इस हमारे फिर मैंने इस तरह की बालक की आदत बनाई ना रखी, चेक मतलब कुछ हो तो अपने स्कूटी पे जाना है तो स्कूटी पे जाना है, और बाइक पे जाना है तो बाइक पे जाना है। और बाहर चल रही है बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा, चलो आपने एक बार दिखा दी हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मौसम भी मतलब के बहुत चेंज हो रहा है, और चलो एक बार दिखाऊँ। और थोड़ी थोड़ी सी अब निकल रही है हल्की सी धूप, देखो भाई थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिन हो रहा है। और अभी हवा रुक रही है मेरे ख्याल से, दिख रहे थोड़े बहुत तो तेल, मतलब कि हल्के हल्के से दिख रहे हैं पत्ते, ज़्यादा नहीं दिख रहे, देखो ये हिल रहे। तो मतलब पता नहीं चलता ना जूम करे भी ना कि आवाज चल रही है नहीं, देखो ये चल रही। अरे यार गर्मी में होती है ना पूरे मजे आते, बहुत मतलब खुश होते। और अभी मतलब ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड सी हो रही है और बारिश हो गई। तो एक बार भी जनवरी करीब आप देखियो ठंड का मौसम बने जा है, और थोड़ी सी धुंध सी भी होने लग गई 26 जनवरी वाले दिन, चाहे थोड़ी ओवर धुंध जरूर हो, बिल्कुल खुला बहुत कमरा हुआ है, है? तो चलो कोई बात है ना, और मिलेंगे थोड़ी देर में। तो देखा हाँ, और ये आँख का है ना कदे ठीक हो जा है, यूं हो जा कई बार, अरे कई बार यू हो जा, हर कई बार ठीक हो जा, डॉक्टर ने को कुछ ना सही बताऊँ, दो मेरे तो डाली ना जाती दवाई, मैंने ना डाल के कई बार देख ली दवाई, जब भी मैं डालू है ना तो मुंह के अंदर जाओ उस तुखी होकर ना, तो मेरे बुखार हो जाए, मेरे दवाई सूट नहीं करती है। तो मैं सोचो अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि कोई दिक्कत तो है ही नहीं, तो अब ये पता चली गया है। और पर दवाई ना डालती तो फिर थोड़ा सा ये हो जाए है, और डाल लूँ तो मुंह के अंदर जाकर तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि एकदम पता नहीं उसका टेस्ट कैसा है। तो देखो चलो कोई बात, एक बारी एक आधी अपना कर हाँ छोटे मोटे काम, और सोचू और लाइव आए बहुत दिन हो लिए हैं, बहुत सारे कमेंट आने लग रहे हैं कि मैम आप लाइव आओ, तो लाइव आए बहुत दिन हो गए हैं। तो इस बारे में सोचूंगी जल्दी थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा, दिन बहुत ज़्यादा छोटे हुए हैं तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और शाम ने 7-8 बजे आने की सोचूं तो वो टाइम सबके काम का हुआ है, और जो कर 5-6 बजे के करीब मेरे काम का टाइम हुआ है, 9 बजे फिर हमारे सोने का टाइम हो जाए जब दुनिया फ्री हुआ है। तो मतलब अभी टाइम है ना सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे हैं। जब थोड़ा सा मौसम चेंज होगा या फिर जब मूड होगा उस हिसाब से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। चलो गाइस थोड़ी देर में मिलेंगे बाद में। देखिए छोटे छोटे गाय के बछड़े एक साथ खाना खा रहे हैं, और एक दूसरे का मुँह मारने लग रहे हैं, लड़न लग रहे हैं। अरे यो देखे यार क्या कर रहा है वो दूसरी भैंस, वीडियो बनाने लग रही है।
हलवा भरने आके बैठी और मैं यहाँ मंडी में आएगी सब्जी ना रह रही कुछ भी रोज आजकल अच्छा करे जावे सुबह ना बनाती आना कुछ भी ना पता कि बनाओ समझ में ना आता क्योंकि आलू प्याज टमाटर हो ना जब भी बहुत कुछ बन जावे है तो ना तो टमाटर रह रहे थे ना आलू ना प्याज मतलब जो मेन सब्जी हो ना वो ही ना रह रही थी तो सोचा चलो एक बार पहले लिया हाँ और यूँ ना पता था सुमन ऐसे आ जाओगे बिना फोन करे बस बात तो हुई थी जब मैं दूध लेने जा रही थी रिक्शा तेने बोली कि कहा कर रहे घूमांगे मैं कहा ठीक से तो दूध लिया हूँ तो फिर मैंने ना करा था कि बिना बहुत करे बात करे आ जाओ कि बार घूमते घूमते फटाफट ले लिया हाँ दो चार ले लिया सब्जी बाकी और हर बार मम्मी भूल जाती है सुमन मौसी के साथ बनानी वीडियो वो आ जाती है और मम्मी हर बार भूल ही जाती है किसी ने बेटा बैठ जावा ना तो बातम लगा दी जहाँ फिर बातम लगे पीछे ना मम्मी फोन उठाते भी अलग सा लग जाए कई बार ऐसा हो जाए सुनो मैं क्या कह रहा हूँ सब्जी ला के ना और फिर जल्दी लेने की कोशिश करना और फिर मौसी के साथ भूल कोई बात ना चल ठीक है फिर फटाफट ले जाए पनीर कल्लर बनाना कल तो हमारे स्कूल में फंक्शन है फंक्शन में क्या करेंगे पूरी पूरी डांस वो सिंचन नहीं करता है तो वो करेगी हमारी एक मैम पनीर वो सिंचन करता है पूरी 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 पनीर लोगे कुछ ले लो ना बताओगे तो लूँगी ना कुछ भी ले लो मेरे को खाने से मतलब है हमारी मैम बोलती है यार मैडम ऐसे नहीं बोला कर सारी हिंदी वाली तो बोल ही लेती है चल ठीक है फटाफट फोन बंद कर ट्यूशन वाली मैम भी ऐसे बोली बेटा आप तो बहुत ज्यादा पतले होते जा रहे हो कमजोर होते जा रहे हो फिर कमजोर में कितनी आंख हो कमजोर में का मैम वो दवाइयां वगैरह हुई आंख की वजह से हो गई थी हां आंख की वजह से कमजोर हो गई खाती कोना नहीं सो जाता तो आंख की वजह से हो गया दवाइयां तो आंख निकल कमजोर की वजह से थी दवाई के खाओ कैल्शियम तो खाओ वॉश कर ही दो कैल्शियम मम्मा फिर उसी से तो वॉश करें वॉश करें चल ये फोन बंद कर मंची मम्मी अरे दे हां फोन बंद कर मैं खाना तो खाता हूँ बस बिजी इतना हो जाता मम्मा बस दिखा रहा था कि ये मेरी मम्मी है पीछे से क्या पता किसी को समझ में आओ या ना हो यार मैं लेने लग रही थी अमरूद और जो अमरूद वाला था वो कहीं चला गया था उसके मतलब छोड़ कर ना और उसकी जगह पर दूसरा कोई खड़ा था तो उसने यूँ नहीं पता था या फिर पता नहीं मेरे को वैसे बेकू बना रहे थे कि मैंने स्कूटी पे बैठ के पूछा था मैं कहा भाई के बाहर तो बोला 20 रुपये में फिर चल मैं ले लूँ एक किलो तो कोई और पूछा था नहीं बोले ना 30 रुपये किलो है फिर मैं कहा भाई के कहा अगर 20 रुपये नहीं बोला जो तो मैंने बेराना था नहीं बोला वो इसने कह दी थी जुबान हो गई थी तुम्हारे नहीं तो ना 30 रुपये किलो है वो आपसे दे दी फिर मैंने ना भाई बताऊँ तो लालच आ गया मैंने सोची मैं कहा 20 रुपये किलो दे भाषण ला रही हूँ 20 रुपये किलो मैं कहा सही मिलन ला रही है बढ़िया अमरूद से तो मैं कहा भाई 1 किलो और कर दो था मैं पहले यूँ था कि हाँ 30 रुपये किलो कहते मीठे ना लग रहा थोड़ा सा यूँ था फिर मैं सोची 20 में चाहे मीठे हो चाहे ना हो मतलब ठीक से ले दिखण में सही है कम मीठे हो जाएंगे पर मतलब मेला तो ठीक से मैं कल ले ली हूँ तो मैंने दोबारा तो फिर तोलन लगी है और ये यहाँ पर देखने लग रहा था अगर ये वीडियो बनाने लग रहे तो मैं बताऊँ तेने बोला जी के कहा कर ठीक है बढ़िया बना लो कोई दिक्कत ना है तो थोड़ा नया नया आदमी कैमरे आगा तो थोड़ा सा उन्हें थोड़ी चक्सी तो देखो देखो ओ वे है ऐ तो यार मैंने इससे दे दी थी फिर मैंने गेला गेला मैं गला 2 किलो और जो और लड़की थी ना वो अपने चली गई पूछ की ने फिर उन हाँ वो बोली कि आकर रहा है आज मैंने पहली बार मंडी में मिली आके ये ब्लॉग बनाने बोली दीदी हम आपके देखा कर आप तो रिन होना मैंने बोली हाँ ऐ तो फिर मतलब इसके बाद मैं ना बहुत मतलब अच्छा लग गया फिर यार मेरे याद आई मैं डुगू फिरकी कराया कर है तो मैं ले लूँ डुगू तई एक फिरकी तो यहाँ पर मैंने ली फिरकी और यहाँ सुमन देख रही बाट देख लो कैसे
जी है। बनवा रहे आगे। देखो देखो आगे मेरी मौसी जी के साथ क्या किया इनने। खजाना यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी और उन नमकीन में कुछ सारा था सिंपल थी मूंगफली वाली तो मैंने यहाँ खोली थी मैं चिक कटोरी में डालूंगी चला पाई हूँ खा लिया सा। देखा दे क्यों वो करने लग रहा है तो कहते सुर ना चकाते या तड़ा देखा बाल देखा ये डुगू देख इतने ड्रामे कर रहे और सबने को गए करवाओ है क्या करना करवाओ है देख ले सही हो गया जब मेरी वीडियो भी बन जाएगी तो नहीं तो जितने तो ड्रामे कर रहा है खरीस नहीं बढ़िया ना लगता छोटे बड़ा करा के नहीं मिला भी बड़ा पसंद है सही है तो जिस पे मम्मी पहले कटाया करती उसे पे कटवा रखी है यहाँ कर दिया है वीडियो का एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में टाटा बाय।